जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस में आपका आज पुनः स्वागत। देखिए अपन क्लास 8 का टॉपिक कर रहे थे घन और बंधु। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है आपको? यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है 1331 एक पूर्ण घन है क्या बिना गुणनखंड किए। आपको गुणनखंड मेथड नहीं लगाना है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। आपको गुणनखंड करके नहीं बताना है, अनुमान लगा के बताना है। इसी प्रकार 1400, 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। देखिए क्वेश्चन है आपको घनमूल, तो आपको पहले घनमूल दस्तक याद होना चाहिए। कहा था मैंने एक का घनमूल 2 का घनमूल 8, 3 का घनमूल 27, 4 का घनमूल 64, 5 का घनमूल 125, 6 का घनमूल 216, 7 का घनमूल 343, 8 का घनमूल 512, 9 का घनमूल 729 और 10 का घनमूल 1000। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। 1 का घनमूल 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। अब देखिए आपको इकाई अंक ध्यान रखना। 1 का घन करोगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1। 2 का घन करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 8। 3 का करोगे तो क्या आएगा? 7। घन करने पर इकाई अंक क्या आएगा? 7। 4 का करोगे तो कितना आएगा? 4। 5 का घन करोगे तो 5। 6 का घन करोगे तो 6। 7 का घन करोगे तो आएगा 3। 8 के घन में क्या आएंगे? 2। 9 के घन में कितना आएंगे? 9। और 10 के घन में आएगा 0। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन, अब हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 1331 का घनमूल। 1331 का घनमूल ऐसे लिखा जाएगा घनमूल को। अब क्या करना है आपको? इकाई का अंक देखना है। यहाँ एक क्या देखना है? एक। एक, एक का घन कितना आया था? एक। एक का घन कितना आया था? एक। तो यहाँ क्या लिखोगे? एक। क्या लिखोगे? एक। यहाँ इकाई अंक देखना है और वहां भी इकाई अंक देखना। इकाई अंक एक है तो यहाँ भी कितना आया? एक। अब तीन संख्याओं का जोड़ा और उसको भूल जाए, उसको छुपा ले। क्या कर ले? छुपा ले। जोड़ा लेना है कि घन में कितने का जोड़ा बनेगा? 3 का। 3 में भी क्या देखना है? इकाई अंक। इकाई अंक यहाँ क्या आ रहा है? एक। क्या आ रहा है? एक। तो एक किसका आता है? एक का। हमने लिख दिया एक। अब यहाँ देखो एक, एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 ज्यादा आ रहा है, हमें क्या चाहिए? 1। इसका मतलब यह क्या आएगा? 11। तो 11 का घन 1331 और 1331 का घनमूल 11। जैसे चलो एक और देखते हैं आगे वाला। क्या है आगे वाला? 4913 का घनमूल निकालना। क्या निकालना है? घनमूल। अब देखा सबसे पहले 3-3 का जोड़ा बनाए, 3 जोड़ा बन गया, 1 संख्या बच गई। ओके, अब यहाँ इकाई अंक कितना है? 3। कितना है? 3। तो यहाँ देखें 3 किसका है? 8, 7। 3 किसका है? 7 का। इकाई अंक 3 किसका है? 7 का। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7। और क्या इकाई अंक 3 आ रहा है? इसका भी 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, मैंने क्या लिख दिया? 7। अब देखें यहाँ 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, हमें कितना चाहिए? 4। कितना आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, 8। अपन क्या लेंगे? 1। इसका मतलब कितना है? 17। मतलब 4913 का घनमूल है 17 और 17 का घन है 4913। चलो एक और देखते हैं 12167। 12167 का घनमूल 3-3 का जोड़ा बनाए, 3 और 2 3-3 का जोड़ा बनाए, यहाँ इकाई अंक क्या है? 7।
इसमें सात कौन है, तीन रख दिए तीन। अब देखिए बारह, एक का स्क्वायर क्यूब एक, दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब सत्ताईस, हमें क्या चाहिए बारह। तीन ज्यादा हो गया तो कौन आएगा दो, इसका मतलब 12,167 का घनमूल है 23 और 23 का घन है 12,167। एक और है आपका 32,768, 32,768 वही तीन तीन का जोड़ा, एक जोड़ा दो जोड़ा। अब आठ किसका आ रहा, देखें दो का और वही आठ नहीं आ रहा है दो का, या आपका दो कौन आया दो। अब देखें बत्तीस, एक का क्यूब एक, दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब सत्ताईस, चार का क्यूब चौसठ, चार का क्यूब चौसठ, हमें चौसठ नहीं चाहिए, कितने चाहिए बत्तीस, ज्यादा हो रहा है चौसठ तो कौन आएगा तीन, बत्तीस। तो 32,768 का घनमूल कौन आया 32, और 32 का घन कितना आया 32,768। यह है आपका क्वेश्चन नंबर तीन। सबसे पहले घन निकले, एक का क्यूब एक, दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब सत्ताईस, चार का क्यूब चौसठ, पांच का क्यूब 125, छह का क्यूब 216, सात का क्यूब 343, आठ का क्यूब 512, नौ का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इसमें लिखने के बाद में यहाँ इकाई अंक देखना है। सबसे पहले तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाए, जोड़े में इकाई का अंक एक है तो यह इकाई का अंक एक और एक, आपको लिख दिया एक, फिर इस अंक को देखें। इस तरह से सारे क्वेश्चन